गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट. टुडे वी शैल डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ लेसन वन. शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, क्योंकि वन वर्ड का क्वेश्चन कल हो गया था, आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे. एंसर फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, निम्नलिखित क्वेश्चनों को ब्रीफ में, शॉर्ट में आंसर देना है. पहला है कि व्हाट इज मीन्ट बाय टर्म कॉलोनियल. व्हाट इज मीन्ट बाय टर्म कॉलोनियल, यानी कॉलोनियल शब्द से क्या समझते हो, क्या होता है कॉलोनियल का अर्थ, क्या होता है. बुक में देखा जाए कॉलोनियल का अर्थ, बुक में मैं बताया था कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद, इसी में है. इसमें दिया है कि यूरोपियन कंट्रीज, जो मैं बोलूँगा वो वही सब आंसर है. अब यहाँ पर क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, कि यूरोपियन कंट्रीज managed establish their political control over areas around their trade settlement. यानी यूरोपियन कंट्री जो थी अपने ट्रेड सेटलमेंट के आसपास पॉलिटिकल कंट्रोल, क्लियर, पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना शुरू किया. उसके बाद इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के विभिन्न देशों में, एंड दिस एरियाज केम टू बी नोन एज कॉलोनीज. और इस एरिया को क्या कहा गया, कॉलोनीज कहा गया. इसे यहीं लिख देना. दूसरा और अलग शब्दों में, इफ वन कंट्री इस्टैब्लिश पोलिटिकल कंट्रोल नियर बाई ट्रेडिंग सेटलमेंट फॉर देयर इकोनॉमिकल बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड कॉलोनीज. उसी को कॉलोनीज कहते हैं, कि जब एक देश किसी प्रदेश किसी क्षेत्र पर अपने आर्थिक लाभ हेतु राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करता है, तब उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, कॉलोनीज कहते हैं, उसको उपनिवेश कहते हैं. अपने आर्थिक लाभ हेतु राजनीतिक कंट्रोल स्थापित करता है. एक्सप्लेन द एंशियंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री. इतिहास का एंशियंट पीरियड क्या है, द बिफोर 8th century. बुक में देख लिया जाए, इसमें देखो यहाँ पर द एंशियंट पीरियड इज जनरली कंसीडर्ड टू बी द पीरियड बिफोर 8th century. 8th century के पहले के काल को हम क्या कहते हैं, एंशियंट पीरियड. दूसरा भी हो गया. डिफाइन टर्म रिनेसेंस. रिनेसेंस किसको कहते हैं, पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है. पुनर्जागरण का अर्थ होता है, देखो यहाँ पर, द वर्ड रिनेसेंस सिग्निफाइज क्या सिग्निफाइज करता है, क्या बतलाता है. द वर्ड रिनेसेंस सिग्निफाइज रिबर्थ, यानी रिनेसेंस का अर्थ होता है रिबर्थ, पुनर्जन्म. इट इज रिलेटेड टू रिबर्थ ऑफ, किन चीज़ों का रिबर्थ, इट इज रिलेटेड टू रिबर्थ ऑफ आर्ट एंड कल्चर. जो आर्ट और कल्चर जो भूल गया था, समाप्त हो गया था, या किसी कारण से वो छिप गया था, उसका पुनर्रिनेसेंस हुआ, पुनर्जागरण हुआ, तो उसी को कहते हैं रिनेसेंस, उसी को कहते हैं रिबर्थ. किसी आउटिंग सोर्स के द्वारा वह सभी चीज़ें समाप्त हो जाती है, लेकिन अपन लोकल पीपल, अपने लोकल पीपल के कोऑपरेशन से इस टाइप ऑफ कल्चरल एंड आर्ट आर्किटेक्चर
फॉर्म अवेक एमॉन्ग पीपल, और इस तरह के कल्चरल आर्किटेक्चर आर्ट फॉर्म लोगों के अंदर जागृत होता है, एराइज होता है, तो उसको हम कहते हैं रिनेसेंस। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, इतिहास का अर्थ क्या होता है? तो मैं बताया था क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। बुक में देखा जाए इसका आंसर बुक में दिया होगा। द हिस्ट्री इज पहला ही लाइन, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न इन सोसाइटी। हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न इन सोसाइटी, समाज में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। नो पीरियड आर एलाइक इन हिस्ट्री, इतिहास में कोई भी पीरियड एक समान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ मटेरियल। प्राइमरी सोर्स ऑफ मटेरियल में क्या इंक्लूड है और सेकेंडरी सोर्स ऑफ मटेरियल में क्या इंक्लूड है? तो प्राइमरी सोर्स ऑफ मटेरियल में, प्राइमरी सोर्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में मॉन्यूमेंट है, आर्टिफैक्ट है, क्लियर। आर्कियोलॉजिकल सोर्स डैश दे करके लिख देना, मॉन्यूमेंट एंड आर्टिफैक्ट कॉमा दे करके लिखना, ऑफिशियल रिकॉर्ड ये भी प्राइमरी सोर्स में ही आता है, न्यूज़पेपर मत लिखना, ये आता है लेकिन सेकेंडरी सोर्स में भी इंक्लूड हो सकता है। पुराना न्यूज़पेपर जो होता है वह प्राइमरी सोर्स है, इसलिए इसको मत लिखना न्यूज़पेपर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये भी प्राइमरी सोर्स में, जो गवर्नमेंट का पुराना डॉक्यूमेंट जो होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, ये भी प्राइमरी सोर्स में आता है। तो प्राइमरी सोर्स में सर्वे एंड सेंसस, ये भी प्राइमरी सोर्स में, गवर्नमेंट का जो भी पेपर होता है, ओरिजिनल पेपर, दैट इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सोर्स। उसका मॉन्यूमेंट हुआ या कोई सील या मोहर जो भी है दिखाई दे रहा है, ये उसका आर्किटेक्चरल फॉर्म है उस समय के गवर्नमेंट का, दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का प्राइमरी सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जैसे करके मॉन्यूमेंट एंड आर्टिफैक्ट, ऑफिशियल रिकॉर्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सर्वे एंड सेंसस। इसके बारे में नहीं लिखना है, बस ये केवल पॉइंट लिख देना है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, ये लिख देना डैश दे करके मॉन्यूमेंट और आर्टिफैक्ट, कॉमा दे करके ऑफिशियल रिकॉर्ड, कॉमा दे करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और फिर कॉमा दे करके सर्वे एंड सेंसस, क्लियर। ये हो गया प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में, सेकेंडरी सोर्स में क्या क्या इंक्लूड है? सेकेंडरी सोर्स में जितना भी रिटेन रिकॉर्ड है लिखा हुआ किसी व्यक्ति विशेष का, वह सेकेंडरी सोर्स में आता है। जैसे पिलग्रिमेज और ट्रेवलर्स का अकाउंट, यानी लिखा हुआ वृत्तांत, तीर्थयात्रियों का या जो भी यात्री हैं उनका लिखा हुआ वृत्तांत। द इंडिजीनियस रिकॉर्ड इंक्लूड डायरीज, जो लोग लिखते हैं डायरी, अकाउंट ऑफ पिलग्रिमेज या ट्रेवलर्स का रिकॉर्ड, न्यूज़पेपर, बुक्स, नावल, लिपलेट्स, ये सब के सब जो हैं वह सेकेंडरी सोर्स हैं, क्लियर। लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ सर्वे आर कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश इन अर्ली 19th सेंचुरी टू मैप द इंटायर कंट्री। व्हाट काइंड्स ऑफ सर्वे वेयर कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश इन अर्ली 19th सेंचुरी टू मैप द इंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए मैप के लिए 19th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह का सर्वे किया गया,
तो इसमें देखो किस तरह का सर्वे किया गया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वेरियस सर्वे वेयर कंडक्टेड लाइक द पॉपुलेशन सर्वे, रिवेन्यू सर्वे, लैंड सर्वे। इसका मैपिंग वाज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सर्वे। मैनी टोपोग्राफिक, टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति, भू आकृति का चित्र। मैनी टोपोग्राफिक मैप्स वेयर मेड बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहीं तक आपका आंसर होगा। और जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वो सब होगा। चार और क्वेश्चन आ गया, बी सी डी ई, वही चार क्वेश्चन आ गया, बी सी डी ई। नेक्स्ट डे वी विल सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन। ओके, थैंक्स, बाय।